एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं लगातार देश का मूड। एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे ताजा सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अब तक की बड़ी बातें आई हम आपको बता देते हैं, यानी अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश के अलग अलग राज्य किसकी सरकार पर लगा रहे हैं मोहर। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, जो आंकड़े हमने आपके सामने खोल दिए हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के, वो आप देख रहे हैं। नीचे की पट्टी में ओडिशा का जिक्र हो रहा है और अब हम आपको ये बताएंगे कि बड़ी तस्वीर क्या कह रही है, यानी कुल मिलाकर के कितनी सीटों का अब तक हिसाब कर लिया गया है और उन सीटों में से किसे कितनी सीटें। तो देखिये, यूपी में एनडीए को नुकसान हो रहा है, पिछली बार 73 जबकि अब घटकर सीधे आंकड़ा 25 पर आ रहा है, यानी लुढ़क रहा है यह आंकड़ा। एसपी बीएसपी का गठबंधन कड़ी टक्कर देता हुआ, यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन को 51 सीट का अनुमान सर्वे के मुताबिक। बिहार में एनडीए को फायदा हो रहा है, पिछली बार 31 मिली थी, अब 35 तक पहुंच रहा है यह आंकड़ा। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन बिहार का है वो पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ। महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान, लेकिन गुजरात में एनडीए आगे चल रहा है। अब तक की बिग पिक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें हमने आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल और ओडिशा के भी आपको आंकड़े दिखाए। महाराष्ट्र में एनडीए को नुकसान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फायदा होता दिखाई दे रहा है। तो जहां जहां नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए कोशिश ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीन राज्य एक सुर में इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि यहां पर अभी हाल में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस जीत कर आई। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव का मूड विधानसभा चुनाव से अलग होगा, जी हाँ, सी वोटर का बड़ा आंकड़ा यही कह रहा है। 29 में से 23 सीटें जाती हुई बीजेपी के खाते में, 2014 के मुकाबले मामूली नुकसान हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटें ला पा रही है, बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही है। राजकिशोर जी, ऐसा क्यों हो रहा है? विधानसभा चुनावों में अच्छी खासी जीत मिली, हालांकि कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में रही, लेकिन अदरवाइज मध्य प्रदेश में लोकसभा का मूड बिल्कुल बीजेपी की तरफ। देखिए नेहा, पहली बात तो है कि वहां पर 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, तो 15 साल की सत्ता विरोधी लहर थी। उसके बाद भी अगर आप देखें तो जिस तरीके की लड़ाई बीजेपी ने लड़ी, बहुत करीबी मामला था और वोट प्रतिशत में तो वो ज्यादा ही गए थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जब प्रधानमंत्री चुनने की बात होगी और सरकार बनने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है, जो सहयोगी भी उनके साथ आए हैं सपा और बसपा, वो भी वहां से रुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं और यूपी में उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। सपा बसपा ने कांग्रेस को एक तरीके से बिल्कुल अलग करके रख दिया है। तो जाहिर तौर पर जो इस तरीके की बातें हो रही हैं और जब केंद्रीय चुनाव होगा तो वहां पर तस्वीर बिल्कुल अलग होगी। तो ये मुझे लगता है कि आंकड़े उसी को जो है यहां पर दिखा रहे हैं। दिबांग, एक संक्षेप में आपकी टिप्पणी, मध्य प्रदेश इतना भी नहीं रूठा कि लोकसभा में बीजेपी को मौका ना दे। जी हाँ, उतना भी नहीं रूठा, लेकिन आप ये देखिए कि 2 से 6 पर आया है, पर 2 से 6 की जो उछाल है उससे मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में जो वोट प्रतिशत है वो अभी भी उनका आगे है, यानी बीजेपी का आगे है, इनका पीछे है, तो ये एक बड़ी बात है। नई जो सरकार थी उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, जिस तरह के वो काम कर रही है उससे बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है, तो वो एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में सरकार को हिलाने डुलाने की भी कोशिश होगी, वहां पर भी देखा जाएगा कि उसका क्या असर होता है जमीन पर, और उसके हिसाब से सरकार हिलाई डुलाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश में अभी काफी कुछ, ये बिल्कुल ओपन आंकड़ा है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। मेरे साथ मनु शर्मा जी, एडिटर सी वोटर से मौजूद है। मनु जी, मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश में अभी सरकार बने वक्त ही कितना हुआ है, अभी तो कांग्रेस के लिए इतना बड़ा मैंडेट दिया मध्य प्रदेश ने, और अब अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हैं तो आंकड़ा बिल्कुल उलट, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को। देखिए, जब हम विधानसभा के लिए भी सर्वे कर रहे थे तब भी ये बात उभर के आ रही थी कि स्प्लिट वोटिंग होगी, यानी कि लोगों की वोटिंग चॉइस जो है वो विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग रहेगी। तब ये उभर के आ रहा था कि जब विधानसभा की बात करते हैं तो वोट शेयर जो थे भाजपा और कांग्रेस के वो बिल्कुल बराबर थे, यानी कि उनमें जो वोट्स का डिफरेंस था वो 1% से भी कम था। और अब बात आ रही है कि बीजेपी को इस वक्त जो है 4% की एक बढ़त प्राप्त है वोट शेयर के हिसाब से। तो हमको ये लग रहा है कि एक बायपोलर मुकाबले में इस वक्त बीजेपी है, पूरी तरह से फायदा बीजेपी की तरफ चित्रा, और वो आंकड़ों में साफ दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़ों में 29 में से 23 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई, और अभी अभी सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में सिर्फ 6 सीटों पर सिमटती हुई लोकसभा चुनाव में सी वोटर के सर्वे के मुताबिक। इसके पीछे की बड़ी वजह मुझे नजर आ रही है, बीते हफ्ते मैंने शिवराज सिंह चौहान का इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था हमारे पास नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास कौन है, और ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़े बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में अभी भी मध्य प्रदेश की जनता का जो झुकाव हमने विधानसभा चुनावों के दौरान भी देखा था उसी का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें 47,000 वोट ज्यादा मिले थे बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले विधानसभा में, और उसका फायदा इस बार भी। लेकिन अनुज गुप्ता जी, जो कि मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट है, उनसे मैं जानना चाहूंगी। अनुज जी,
अगर विधानसभा के हिसाब से हम तब्दील करते तो बीजेपी को 17 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती, लेकिन कांग्रेस तो अपना विधानसभा का प्रदर्शन भी दोहरा नहीं पा रही है, सिर्फ 6 सीटें ही मिल रही है उसे मध्य प्रदेश में। चित्रा जी देखिए, इतिहास राजनीति में कई बार दोहराता अपने आप को। आज से 20 साल पहले 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और मध्य प्रदेश की अभी की जो सीटें उनको ही निकाल कर देखें तो दिग्विजय सिंह जी भाजपा पर 1.5% वोटों की बढ़त लेते हुए मुख्यमंत्री बने, और उसके कुछ महीनों बाद 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भाजपा ने 2.5% वोट अधिक लेते हुए 21 सीटें, जो 29 सीटें उनमें से 21 सीटें उस समय जीत ली थी। अभी मध्य प्रदेश का मूड नरेंद्र मोदी के पक्ष में। हाँ हाँ, अभी तो अभी जब विधानसभा में ही भाजपा अधिक वोट लेकर के गई है तो लोकसभा चुनाव होते होते तक वो यदि मोदी साहब के नाम पर या बीजेपी के इनहेरेंट ताकत के कारण वो यदि 21 से जो पिछला 20 साल पुराना आंकड़ा उसे बढ़ करके 23 तक भी जा रही है तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और कांग्रेस के पास अभी वहां 3 लोकसभा सीटें हैं, झाबुआ की सीट वो उपचुनाव में जीत करके गई हुई है, तो 3 से 6 हो रही है डबल, लेकिन उससे संतुष्ट उसको नहीं होना चाहिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो कमलनाथ जी की सरकार, उसके पास समय बहुत कम है काम करने के लिए, अगले केवल 40 दिन लेकिन वो क्या इतना बड़ा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुश्किल है। डबल नहीं कर पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है यहाँ पर। जल्दी से ये भी है एक फैक्टर, देखिए कि शिवराज सिंह के हारने का राज्य में लोगों में एक तरह का अफसोस भी है, अफसोस भी है। उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई थी, उनकी सरकार के मंत्रियों विधायकों की जो लोकप्रियता थी उसका असर ज्यादा चुनाव और ये चुनावों के दौरान भी हमने देखा था। शिवराज सिंह चौहान को लेकर अच्छा माहौल था, लेकिन बाकी उनके मंत्री और दूसरे नेताओं को लेकर वहां पर अलग, और नोटा और सवर्णों के आरक्षण की वजह से भी वो हारे, ये भी अपने आप में बड़ी वजह निकल के सामने आई। सवर्ण मान गए और उसके बाद अब बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे हैं क्या? ये 23 सीटें वही दिखा रही है अरविंद जी। यही मैं कहना चाहता था कि ये बदलाव जो है एक सवर्ण आरक्षण का भी हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सवर्णों ने नाराज होकर दूसरी तरफ वोट दिया था, पॉसिबल है ये वापसी हुई। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, विंध्या प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया, जबकि जातीय राजनीति सबसे अधिक चंबल के अलावा केवल वहीं पर होती है। नहीं, लेकिन तो यदि विधानसभा में ही वो सवर्ण नाराजगी वहां नहीं दिखी है तो अधिक लाभ कैसे होगा वो मुझे समझ में। देखिए, अगर उसके पक्ष में जाएंगे और विपक्ष में तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। शिवराज जी ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि देखिए, अगर किसान हमें हराता तो किसानों का जो इलाका था वहां पर हमें ज्यादा सीटें, 8 में से 7 सीटें हम क्यों जीतते, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस वक्त राजनीतिक मेहमान भी, बिल्कुल राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में गौरव भाटिया बीजेपी की ओर से आपके सामने होंगे स्क्रीन पर। मीम साहब, आप लोग तो पिछले ही महीने का जो प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में उसको भी दोहरा नहीं पा रहे हैं, 23 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में। देखिए, आपका जो पिछला सर्वे हुआ था, मैं इत्तेफाक से उस सर्वे में मौजूद था जी, और तकरीबन आपका सर्वे में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आपने, अरे मैं पूछ रही हूँ मध्य प्रदेश में आपका ये हाल क्यों है, आप जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और इधर हम जी मध्य प्रदेश में आ रहा हूँ मैं। नहीं, हाल तो अब आप ये ऐसे पूछ रही हैं जैसे रिजल्ट आ गया हो, बिल्कुल आपका अंदाज ऐसा है कि ये रिजल्ट आ गया है। मई में रिजल्ट भी आ जाएंगे, मैं तो कहता हूँ रिजल्ट आया नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि बड़ा बिल्कुल ये बिल्कुल आ जाएंगे, लेकिन हमेशा आपके सर्वे सही भी नहीं होते हैं, ये भी रिजल्ट आता है कभी कभी, ये भी देख रहा हूँ। नेताओं का ये बड़ा दिलचस्प मामला होता है, पक्ष में जाए ये तो सर्वे बहुत मान के अच्छा, कि जो आप सर्वे दिखा रहे हैं बस वो पत्थर की लकीर नहीं है। ठीक है, पिछले मैं उस पे बहस नहीं करना चाहती मीम साहब। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपका सर्वे खराब है जी, लेकिन ये भी सही है कि सर्वे हमेशा ठीक नहीं होते। पिछली बार जो आपने सर्वे दिखाया उसमें तब्दीली तो हो ही रही है ना, आगे और तब्दीली हो सकती है। ठीक है, ये तो आप मान के चलिए। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ, उनके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास कौन जो है? हमारे खिलाफ तब्दीली हो रही है उस पर ज्यादा सवाल आप पूछते हैं, मैंने देखा। अभी अभी गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस सवाल के साथ उनके पास भी मैं उस पर आप सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, जरा उनसे भी पूछिएगा। अच्छा ठीक है, मैं कभी कभी लगता है अभी तक पावर में है, हालांकि हमें पावर से गए हुए 4.5 साल हो गए। हम पर फर्क नहीं पड़ता है सर, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई तीसरा मोर्चा हो, देश के लिए जो भला करे देश की जनता को यह तय करना है। मेरा सवाल आप, अच्छा ठीक है, मैं आपको बोलने देती हूँ और सवाल सीधा सा है। अब अपोजिशन में रहते तो हम भला नहीं कर सकते। आपको 12 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन हमारे आंकड़े दे रहे हैं आपको 6 सीटें,
तो 6 सीटों का ही नुकसान क्यों हो रहा है अगर हम आपके विधानसभा में जीत के लिहाज से ही देखें तो? देखिए, आपके कई एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। मैं मध्य प्रदेश का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अभी 1 महीना तकरीबन हुआ है रिजल्ट आए हुए और आज जो है पार्लियामेंट के चुनाव के रिजल्ट इतने अलग हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, सिर्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी, उनके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास कौन है? कांग्रेस पार्टी तो ये बता पाने की स्थिति में भी नहीं है ना, चेहरा कौन है आपका? देखिए, 1977 में, 1989 में, उसके बाद 1991 में, और उसके बाद कई चुनाव हैं, मैं नाम गिनवाता चला जाता हूं, जब प्रधानमंत्री कोई नहीं होता था जी, पता ही नहीं था कौन प्रधानमंत्री होगा, तब भी देश की जनता ने वोट डाला था ना और प्रधानमंत्री बने थे। मतलब कुल मिलाकर आप राहुल गांधी को मान रहे हैं कि वो आगे नहीं होंगे? मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है ये सोचते हुए, चलिए ये बात समझ में आ, 130 करोड़ लोगों के अंदर अगर एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया है तो दूसरे के बारे में आपको ये पूछने की जरूरत क्यों पड़ती है कि प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई भी होगा, हो जाएगा। अरे, देश की जनता को ये हक है, इसको होना होगा, जरूर होगा। अगर हम कांग्रेस को, देश बगैर प्रधानमंत्री के नहीं रहेगा। और ये भी बिल्कुल तय है कि बड़े बड़े पॉपुलर लोग भी हार जाते हैं, मोदी जी भी हार सकते हैं, आपको याद होगा इंदिरा जी भी हार गई थी, कितनी पॉपुलर थी, राहुल गांधी कर रहे हैं, हार गई थी, तो आपको एक लाइन में कह देना चाहिए था फिर वापस भी आ गई, कांग्रेस पार्टी आएगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोग डरते किस बात को लेकर है, मुझे समझ में नहीं आती है ये बात, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर, मैं आपसे एक स्ट्रेट सवाल पूछूंगा एज ए कांग्रेस वर्कर, क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी आपकी पार्टी से जीत के प्रधानमंत्री बने? अपना जवाब दीजिए आप। सर, मीम अफजल साहब जी, उनकी आवाज अगर तेज करें, शायद फोन कट गया है, उनका फोन कट गया है, लेकिन उस पर जल्दी से अरविंद जी आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। मीम बंसल साहब यहां पर घुमा ज्यादा रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को डर इस बात का क्यों है कि अगर हम राहुल गांधी के नाम को आगे कर देंगे तो क्या उन्हें नुकसान हो सकता है? इसे खुल के उनके नेता राहुल गांधी का नाम लेने से भी भिचकते हैं, डरते हैं? नहीं नहीं, जो लीडरशिप का सवाल अब अपोजिशन में है, मोदी विरोधी अपोजिशन में, वो छोटा नहीं है, उसको इतने हल्के, अगर आप आइडियोलॉजी पे और एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़के पर्सनालिटी पर लड़ने जाएंगे तो अलग पर्सनालिटीज निकल के आएंगी, और मोदी के मुकाबले एक आदमी खड़ा करना अभी मुश्किल है, और कम से कम राहुल गांधी का नाम जैसे सामने आएगा, मोदी के मुकाबले एक आदमी का खड़ा होना मुश्किल दिख रहा है, क्यों मुश्किल? और है? नहीं, अभी नहीं, जो पर्सनालिटी मोदी ने अपनी बनाई है इतने वर्षों में, उस तरह की कोई पर्सनालिटी बाकी पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देती है। लेकिन मुल्क सिर्फ पर्सनालिटी के बेस पे चुनाव नहीं लड़ता है, ये प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कि एक कैंडिडेट वर्सेस दूसरा कैंडिडेट हो, तो देश का चुनाव पहले जो हुआ है वो इश्यूज पे भी गया है, वो पर्सनालिटी पे भी गया। मध्य प्रदेश की जनता किन बातों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? होता है पर्सनालिटी भी एक मुद्दा है निश्चित रूप से, क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं प्रोजेक्ट कर रही राहुल गांधी को? क्योंकि उसको मालूम है विपक्ष में जो दूसरे दल है वो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर उनको एतराज है, उस पर वो सहमत नहीं है, इसलिए कांग्रेस को मालूम है कि जैसे ही प्रोजेक्ट किया विरोध शुरू हो जाएगा तो उससे माहौल और ज्यादा खराब होगा, तो वो उस नुकसान को नहीं उठाना चाहते, इसलिए वो राहुल गांधी का नाम आगे नहीं कर रहे। एक बार किया था, उन्होंने देखा तुरंत रिएक्शन शुरू हुआ, तो कर्नाटक में राहुल जी ने खुद ही कह दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज जी, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको जेहन में रखकर अगर इन आंकड़ों को हम ध्यान में रखें तो फिर वहां की जनता यानी कि एमपी की जनता वोट कर रही है? मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन गौरव भाटिया बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, मध्य प्रदेश ने आपको 29 में से 27 सीटें दी थी, लेकिन इस बार 4 सीटों का नुकसान हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? चित्रा जी, देखिए, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो काम विकास का नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में किया है और 56 महीने में जो विकास की धारा बही है वो 55 साल के कांग्रेस के राज में नहीं हुआ है, और इसीलिए ये देश की जनता है, जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो मुद्दे जो है वो अलग होते हैं, और एक मजबूत सरकार वर्सेज एक मजबूर सरकार का ये चुनाव होगा, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का विश्वसनीय चेहरा, उनका नेतृत्व, दूसरी तरफ एक महाठगबंधन जो केवल जनता को ठगना जानता है, जो लालसा रखता है कि हमें कुर्सी पे बैठना है और जनता की सेवा करना उनका जो है
वो लक्ष्य नहीं है। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान आपके पास बहुत बड़ा चेहरा थे मध्य प्रदेश में, मैं अपनी बात पूरी कर लेता चित्रा जी, केवल एक मिनट दे दीजिए। चित्रा जी देखिए, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, आपका सर्वे भी जो दिखा रहा है, हम इससे ज्यादा उम्मीद करेंगे 29 में 29 सीटें हमारी आएंगी, और कांटे की टक्कर रही मध्य प्रदेश में। आप भी ये मानेंगी जब 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी वहां जनता की सेवा कर रहे थे, और एक जो बहुत बड़ी एक हम लोगों ने कार्य किया है वो है आरक्षण। सामान्य वर्ग का जो गरीब आदमी है उसके लिए किसी ने कभी नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण लागू किया, संवैधानिक संशोधन हुआ, ये जो सामान्य वर्ग है जो गरीब है वो देख रहा है। दूसरी बात, जन आरोग्य योजना 50 करोड़। अब आप अपनी सारी योजनाएं गिना देंगे, जब समर्णों ने नोटा पर बटन दबाया और आपको सबक सिखाया तब जाकर आपको होश आया। ठीक है, मान गए गौरव भाटिया, अब उसका फायदा आपको लग रहा है 2019 में मध्य प्रदेश की जनता आपको दे देगी। मीम अफजल साहब ये तो कह रहे हैं 29 की 29 मैं लौट, उज्ज्वला योजना की भी बात, अरे मैं तो कह रही हूँ आप लोग लगातार गिना रहे हैं 22 करोड़ लोगों तक फायदा पहुंचा रहे हैं, फिर 3 राज्य हारे क्यों, वहां के लोगों को भी तो फायदा मिला होगा। जल्दी से मीम साहब। चित्रा जी, गौरव भाटिया जी का कॉन्फिडेंस देखकर, चित्रा जी वॉल्यूम बढ़वा देती, क्लियर नहीं है। 29 में से 29 नहीं बल्कि 29 में से शायद सीट 30 सीट भी आ सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 सीट भी आ जाए तो कोई अजूबा नहीं है, क्योंकि जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, हाँ, ईवीएम को, ईवीएम खराब हो गई, मैं चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस बरकरार खराब है मीम जी। नहीं, ईवीएम जो है वो तो बाद में आएगा, लेकिन मैं आपका कॉन्फिडेंस लंडन चले गए कि आपको 29 में 29 लंडन चले गए थे कपिल सिब्बल ईवीएम को खराब कराने, याद है अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सैयद शुजा के साथ जो है ईवीएम पे हैकाथॉन हो रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब चैलेंज दिया तो नहीं आ पाई कांग्रेस, लंडन से चुनाव कंट्रोल कराएगी कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू। सुन लेते हैं मीम साहब, आप तो यहीं से करेंगे ना, आपको तो चुनाव यहीं से कंट्रोल करना आता ना उत्तर प्रदेश में। अरे हमारी धरती है भारत, जनता की सेवा कर रहे हैं, मतलब आप तो 3 राज्य जीत के गए हैं, राहुल गांधी को दिखाया था जैसे नेशनल इलेक्शन का रिजल्ट आया हो, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग जैसी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव इस तरह दिखाए थे नेशनल मीडिया ने, किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। और ईवीएम तो आप ही लोग लेकर आए थे देश में, उसी ईवीएम पर अब जब हार रहे हैं तो आप लोगों को लगता है कि ईवीएम में ही दिक्कत है, और जब जीत जाते हैं यहाँ ऐसा है, सुन लीजिए चित्रा जी, नहीं नहीं सर, ये ईवीएम जो लोग लेकर आए थे सर वो ईमानदार थे, और आज जिन लोगों के हाथ में ईवीएम है वो ईमानदार नहीं है। हाँ, मतलब 2014 में आपकी सत्ता थी, सारा कंट्रोल आपके हाथ में था, और नरेंद्र मोदी जी ने ईवीएम की हैकिंग करा दी, सब लोग हंसेंगे इस बात पर। चित्रा जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ईवीएम ठीक था, वो हम जानते हैं, अब तो 3 चुनाव हम जीते हैं, लेकिन सवाल जब उठेगा तो उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा ना। अगर कोई सवाल उठा है तो आप इलेक्शन कमीशन से जवाब दिलवा रहे हैं, आप इंक्वायरी बिठाइए ना उसके ऊपर, हमने तो डिमांड की है, और आज ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं होगा। आप तो बड़े, हम तो पहले ही कह चुके थे पॉसिबल नहीं है सर, मुझे लगता है ना ये ईवीएम पे मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए सर। 3-3 राज्य आप लोग जीत गए, और छत्तीसगढ़ तो कितने शानदार तरीके से जीता आप लोगों ने, उसके बावजूद ईवीएम पे क्वेश्चन करेंगे तो लोग आप ही पे सवाल पूछने के लिए आ जाएंगे। अनुजी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि साहब केवल विंध्या में इन्होंने हैकिंग कराई है इसलिए वहां की अधिकांश सीटें जीत गए, कांग्रेस एकाध सीट जीत पाई वहां पर, बड़ी हैरानी होती है। नहीं नहीं, ईवीएम में तो ऐसी छेड़छाड़ कर दी कि बीजेपी को 47,000 वोट ज्यादा मिल गए कांग्रेस के, भले ही इनकी सीटें ज्यादा हो गई, मतलब मीम साहब अब यही बातें रह गई हैं बताने के लिए। देखिए, ईवीएम हार का बहाना रह गया, उसके अलावा और कुछ आप हार रहे हैं तो दूसरा ईवीएम पर वोट दीजिए, जनता आपको वोट नहीं देगी तो ईवीएम क्या कर लेगी। बिल्कुल, जल्दी से मीम साहब। देखिए, जनता तो हमको वोट दे रही है, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जनता हमको वोट देगी। भारतीय जनता पार्टी को जाना है, उसके जाने का वक्त आएगा, आप कितने ही सर्वे दिखा लें, सर्वे सारे हम बड़े ही खंदा पेशानी के साथ आपके सर्वे जो आप दिखाते हैं उसमें आते हैं बैठते हैं। ये तकरीबन वही सर्वे है जो पिछले महीने आपने दिखाया था,
एक दो सीटों का इजाफा कम करके आपने दिखा दिया है। मुझे नहीं मालूम, शुरू में चूंकि मैं नहीं था, मुझे नहीं मालूम पिछली बार आपने 57,900 लोगों का सर्वे किया था, इस बार कितनों का किया है? 22,000 से ज्यादा, उसको आइडिया नहीं है उसका, लेकिन आप ही बता रहेंगे कैसे है। लेकिन ये कि वही सर्वे है, हर महीने आप दिखा रहे हैं, अब जनता का एक मूड होता है, बन रहा है, हमारे सर्वे कोशिश हो रही है हुआ। और स्वागत है मध्य प्रदेश राजस्थान को लेकर हमारा सर्वे सही भी तो साबित हुआ। जी जी, बहुत आपके सर्वे बहुत सही भी हुए, बहुत सारे सर्वे आपके गलत भी साबित हुए। खुश नहीं है आप? सर्वे सारे कभी सही नहीं होते और सारे सर्वे कभी गलत नहीं होते, उन सारी बातों पर नहीं फंसते हैं। मैं बस साहब में चाहूंगी एक गौरव भाटिया को लेकर एक्सरसाइज है, इसके होने में कोई हर्ज नहीं है। बहस हो रही है 2019 के इलेक्शन पर और आज होते हैं चुनाव, तो मध्य प्रदेश की जनता किसको वोट करेगी? गौरव भाटिया, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये बड़बोलापन नहीं है क्या आप लोगों का? 29 में से 29 सीटें, अरे कम से कम विधानसभा के रिजल्ट तो देख लेते, उसी से पता चल जाता कि आप लोगों को कितनी सीटें मिल रही हैं। इतना बड़बोलापन ठीक नहीं है शायद। एक छोटा सवाल मेरा नहीं चित्रा जी, मैं केवल मैं कुछ एक लाइन अर्ज करूंगा, ध्यान दीजिएगा। हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की काबिलियत, उनकी शख्सियत, उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ देश की जनता खड़ी है। मैं दोबारा कहूंगा कि आज मुद्दा यह है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और जो उन्होंने विकास का कार्य किया है, दूसरी तरफ एक महागठबंधन जिसमें हर जो पार्टी का लीडर है वो प्रधानमंत्री पद की चाहत रखता है और उसको इससे कोई मतलब नहीं है, साहूकार नहीं है कि जनता के लिए हमें क्या करना है। एक नकारात्मक एजेंडा की मोदी जी को हटाना है, हम कहते हैं जनता को आगे बढ़ाना है, ये कहते हैं मोदी जी को हटाना है। दूसरी बात आप बताइए, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी कभी टिकट बांटा करती थी उसका इतना अस्तित्व नहीं बचा कि उसको सपा और बसपा दो सीटें भी दे, वरना फिर कुछ महीने पहले तक ये सामने कह रहे थे महागठबंधन बनेगा और अब एक साथ भी नहीं आ। ठीक है, समझ गई। चलिए मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली है, यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी को 4 सीटों का नुकसान भले ही हो रहा हो लेकिन कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के लिहाज से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अब मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़, धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य लेकर चलते हैं और वहां के आंकड़े आपके सामने रखेंगे नेहा। 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ में है। अभी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़े मार्जिन से अपनी सरकार बनाई लेकिन लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटें और इसमें देखिए एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। 2014 में आंकड़ा 10 था, यानी सीधे सीधे 5 सीटों का नुकसान होता हुआ सी वोटर के सर्वे में। वहीं यूपीए के खाते में 6 सीटें, पिछली बार यूपीए की 1 सीट थी, यानी 5 सीट का फायदा हो रहा है। यानी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हार बीजेपी की हुई लोकसभा चुनाव में वो पैटर्न आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर नहीं, जहां यूपीए 6 एनडीए 5। आइए अब राजस्थान का रुख करते हैं। पिछली बार स्ट्राइक रेट 2014 में 100% था बीजेपी के पक्ष में लेकिन इस बार 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। 18 सीटें जा रही हैं एनडीए को जबकि 7 सीटें यूपीए के खाते में जा रही है, तो ये एक बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। राजकिशोर, जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों पर आपकी। देखिए छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, उसको जितनी सीटें लोकसभा में मिल रही है उससे लगता है कि थोड़ी बहुत शायद भरपाई जब केंद्रीय चुनाव हो रहा है तो हो रहा है। स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ वो पूरा गुस्सा निकल गया है। यही राजस्थान की बात, तो ये राजस्थान में 25 की 25 सीटें थी और आखिरी में एक हारी हुई बाजी होने के बावजूद वहां पर नरेंद्र मोदी के प्रचार के बाद वापसी करती भाजपा दिखाई पड़ी थी। वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि लोकसभा चुनाव तक आते आते फिर बीजेपी 18 सीटें अगर ला रही है और अगर कांग्रेस से बड़ी पार्टी है तो वो भी अपने आप में उसकी एक उपलब्धि है कम से कम राजस्थान में। चलिए मुझे यहाँ रुकना होगा क्योंकि हमारे पास और राज्यों के आंकड़े हैं। आगे देश का मूड में उत्तर भारत यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी की बात हम कर चुके हैं। बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, 45 सीटों की तस्वीर उत्तर भारत की। लेकिन अब तक अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर डालिए जहां हम आपको बता रहे हैं कि 300 से ज्यादा यानी 339 ऊपर की पट्टी में देखिए 339 सीटों में 184 सीटें एनडीए के खाते में, यूपीए 69 सीटों पर बना हुआ है। अब ये गैप कैसे भरेगा, उत्तर भारत में क्या होगा, दक्षिण भारत की सीटों पर क्या होगा, देश का मूड अभी बाकी है क्योंकि 2019 में आपको जनता को बनानी है सरकार और लोकसभा चुनाव से 73 दिन पहले आपका मूड आप ही से जानकर हम पेश कर रहे हैं एबीपी न्यूज पर। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।